जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या डिसीजन लिया है जिससे क्या सारे पेट्रोल पंप जो हैं या पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, और हम जानेंगे कि क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है। ये हम लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात होगी क्योंकि पेट्रोल अभी लास्ट 2 या 3 मंथ से ऑलमोस्ट 100 के आसपास घूम रहा है, किसी किसी सिटी में तो 100 भी पार कर गया, 110 भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है और हमारे चैनल का नाम नॉलेज ग्रंथ है। आपको ये जो लोगो दिख रहा है नॉलेज ग्रंथ का, तो प्लीज़ अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज बहुत कुछ जानेंगे कि हमारे देश में पेट्रोलियम का पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन हैं, और ऐसी क्या न्यूज है जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे जो पेट्रोल पम्प हैं क्या सारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज में। देखिए, अभी जो करंट में चल रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो 6 प्राइवेट कंपनियां हैं, और मतलब अभी आपके पास तो पहले 8 कंपनियां थीं जिनमें से कुछ गवर्नमेंट थी और कुछ जो थी वो पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है कि उनमें गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 50% से ऊपर होता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां कहलाती हैं। और जिनमें अगर शेयर 50% से ऊपर प्राइवेट का हुआ तो प्राइवेट कंपनी कहलाती हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने 6 नई प्राइवेट कंपनियों को अभी ये दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है कि वो इंडिया में अपने खुद के पेट्रोल पंप खोल सकती हैं और फ्यूल को, पेट्रोल और डीजल को खुद को सेल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये अभी नया एक अमेंडमेंट आया था, उस एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा अभी जानेंगे इसके बाद कि उस एक्ट के अगेंस्ट ही ये दिया गया है, जिसमें अभी आपके पास जो 8 कंपनियाँ थी अभी 6 और हो गई हैं टोटल, तो ये टोटल 14 कंपनियां हो गई हैं। वो नई कंपनियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक पहली कंपनी IMC, इसका नाम है इंडियन मोजेस कॉरपोरेशन। ये एक जो कंपनी है ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। उसके बाद आपका ऑन साइट एनर्जी है, उसके बाद असम की गैस कंपनी है, और उसके बाद आर एम बी एल सोल्यूशन क्या है, आपका रिलायंस और भारत पेट्रोलियम का एक कोलेब्रेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका मानस एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड MK एग्रोटेक। ये टोटल सिक्स हैं कंपनियां जिनको अभी लाइसेंस मिल गया है कि आप खुद के पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और खुद और आप कंट्री में पेट्रोल सेल कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे मैंने आपको बताया पहले टोटल कितनी कंपनियां थी, पहले टोटल 8 कंपनियां थी और अभी 6 और हो गई हैं, तो टोटल आपका हो गया है 14। ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन, देखिए अपनी गवर्नमेंट के लिए अभी जितनी भी 8 कंपनियां हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या, जिनमें गवर्नमेंट कर सकता है कि उनको हर दिन 6 AM मतलब 6 बजे उनको फ्यूल का प्राइस डिसाइड करना है। ठीक है, फ्यूल का प्राइस सेट करना है और उसको डिस्प्ले में दिखाना है हर, मतलब डेली। पहले ये 15 डेज में होता था, बट प्राइवेट कंपनियों के लिए अभी ऐसा नहीं, प्राइवेट कंपनियों के लिए ये 15 डेज का टाइम ही है। तो अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या चेंज करती है, क्योंकि 15 डेज का अगर टाइम है तो हो सकता है प्राइवेट कंपनियों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, बिकॉज फ्यूल का जो प्राइस है ग्लोबल मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। आगे हम जानेंगे कि फ्यूल का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो अभी इस पर थोड़ा सा बात चल रही है कि क्या प्राइवेट कंपनियों के लिए भी सेम कंडीशन होगी कि उन्हें 6 AM जो है वो फ्यूल का प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब और उसको डिस्प्ले में, जो आपने अगर पेट्रोल पंप के बाहर डिस्प्ले देखा हो तो उसमें डिजिटल फॉर्म में इंडिकेट होता रहता है कि पेट्रोल का प्राइस टुडे पेट्रोल प्राइस इतना और डीजल प्राइस इतना। ठीक है, तो अब आगे आते हैं कि आपने, हम जानते हैं पहले 8 कंपनियां कौन सी थी, अभी 6 के नाम हमने जान लिए। पहले इससे पहले कौन थी, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है, SR ऑयल लिमिटेड है, कैर्न इंडिया है, और गेल और HPCL है। इनमें से 5-6 के नाम आपने सुने होंगे शायद, कैर्न इंडिया का नाम नहीं सुना होगा, SR ऑयल लिमिटेड का नाम नहीं सुना होगा। बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ हैं उनमें ये कंपनियां हैं, मतलब इनको, इनके पास लाइसेंस है कि ये पेट्रोल को और डीजल को सेल कर सकती हैं इंडिया में, और इनमें
या तो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से ऊपर है, या तो कुछ कंपनियां प्राइवेट भी हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम लोगों को किस तरह से फायदा होने वाला है, जो इन जनरल कंज्यूमर्स हैं उनको किस तरह से ये फायदा होने वाला है अगर ये प्राइवेट कंपनी आती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सेक्टर में जो प्राइस फिक्स होता है अपना फ्लोटिंग रेट के हिसाब से होता है, फ्लोटिंग मतलब डिमांड हो गया सप्लाई हो गया। बट अगर आपका वहाँ पे कंपटीशन होगा, कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो आपको बेनिफिट, कंज्यूमर को बेनिफिट होने वाला है। अगर कंपटीशन कम होगा तो कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, किस टाइप की इकोनॉमी आपको हमें बताना है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है, जिसकी वजह से जो हमारा रेट फिक्स होता है वो फ्लोटिंग रेट पे होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, अगर एक सिंपल एग्जांपल समझें कि जियो, जियो का जो मोबाइल नेटवर्क था वो जब आया, ठीक है, उससे पहले कुछ कंपनियों की मोनोपोली थी, जैसे एयरटेल था, उसमें आइडिया था, वोडाफोन था। ठीक है, बट जियो जब आया तो जियो ने अपने प्राइस इतने ज़्यादा कम कर दिए, सारे कंज्यूमर उसमें मूव कर गए, जितने भी कस्टमर थे सारे उसमें मूव कर गए। वो किस किस लिए किया? क्योंकि उसने कंपटीशन दिखाया, कंपटीशन दिखा के कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए थोड़ा चीप भी हो और सर्विस भी प्रोवाइड करे। जियो ने वो चीज़ें दोनों प्रोवाइड की। लेकिन अभी क्या है, अभी जियो जो है एक मोनोपोली बन गई है, मतलब एयरटेल तो बची है बट एयरटेल भी वो सर्विस नहीं दे पा रही जो जियो दे रही है। इस वजह से जियो ने क्या किया, अभी अपने रेट बढ़ाने स्टार्ट कर दिया। देखना, अभी अपने टैरिफ वाउचर अपने बढ़ाने स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपके समझने के लिए। तो अगर और 6 कंपनियां आ जाएंगी, ठीक है, 6 प्राइवेट कंपनियां अगर आ जाएंगी तो हो सकता है कि कंज्यूमर को हमें पेट्रोल और डीजल 2 या 3 रुपये मार्केट से सस्ता मिल सकता है, डिफरेंट कंपनी जो डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये एक्सपर्ट का कहना है। 2019 में वैसे मैंने आपको बताया कि एक मार्केट, इसके लिए जो रेगुलेट होता है वो मार्केट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल रेगुलेशन बिल होता है, ठीक है, एक्ट होता है, जिसके हिसाब से ही कौन सी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो ये 2019 में जो है इसको अमेंड किया गया था, जिसके हिसाब से ही, जिसके अगेंस्ट में अभी प्राइवेट कंपनियों को परमिट किया गया है कि वो फ्यूल मार्केट में ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, और सेंसस क्या, ये सेंटर की गाइडलाइन के हिसाब से फ्रेश लाइसेंस उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा जिनकी मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ होगी। ठीक है, उनकी मिनिमम नेटवर्थ 250 करोड़ होगी, जिससे कंपनी बैंकक्रप्ट ना हो जाए, इस वजह से उतना सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए। और 2019 के रेगुलेशन के हिसाब से वही कंपनियां जो 5 साल में, विद इन 5 ईयर्स आपका 100 रिटेल आउटलेट्स पूरे कंट्री में, 100 आपका पेट्रोलियम पंप्स जो होते हैं, रिटेल आउटलेट्स होते हैं, उनको ओपन करेंगी, जिसमें से 5 जो हैं वो मिनिमम 5 जो हैं वो रूरल एरिया में, मतलब विलेज एरिया में होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, टोटल 100 होना चाहिए, 100 तो एक 5 साल के अंदर टोटल 100 होना चाहिए, और 100 में से 5 जो हैं वो कहाँ पर होना चाहिए, विलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जैसे कि कंज्यूमर को किस तरह से फायदा होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने जियो का एग्जांपल देकर आपको समझाया कि कंज्यूमर को थोड़ा सा फायदा होता है, तो हो सकता है हमें इसके आगे फायदा हो। अभी हमारे सामने क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था जो थंबनेल में लिखा हुआ था, विल सेक्टर विल बी प्राइवेटाइज, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे कंपनियां जो हमारी आपकी, अगर आपको पता हो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, अगर आप 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो क्रूड ऑयल होता है ना, फ्यूल पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल होता है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है। टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमारे 40% का शेयर करती हैं, हमारा जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है, ठीक है, उसमें से 40% जो होता है 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री में भी आपका फ्यूल, इसका ऑयल, और जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, और पेट्रोलियम का भी बहुत बड़ा शेयर होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी अभी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, हिंदुस्तान की रिपोर्ट की अगर देखें तो उसके हिसाब से अभी जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसका 90% शेयर वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, 90% शेयर गवर्नमेंट के पास है, और 10% शेयर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेल एंड नेहरा एनर्जी जो है, सेल एंड नेहरा, ये दो कंपनियाँ हैं इनके पास है, तो ओनली 10% है। तो अभी 6 कंपनी आने से क्या होगा, गवर्नमेंट का शेयर थोड़ा सा कम होगा, गवर्नमेंट का शेयर कम होने से प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा
आपका डोमिनेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेट्रोल प्राइस में थोड़ा सा सुधार होने वाला है, और कंपटीशन की वजह से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अपने रेट में रेगुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इंडस्ट्री, पूरा सेक्टर ही जो पेट्रोलियम सेक्टर है क्रूड ऑयल का, वो प्राइवेटाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें कुछ चेंज होने वाला है, थोड़ा सा भागीदारी बढ़ने वाली है प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है, जिससे कंज्यूमर्स को ही फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूल प्राइस इन इंडिया, इंडिया में फ्यूल प्राइस कैसे डिसाइड होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जून 2017 से आपका डेली मॉर्निंग में 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock आपको फ्यूल प्राइस को जो है रिवाइज करना होता है, डेली रिविजन होता है उसको, आपको इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्यूल प्राइस मेथड कहते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, 15 डेज में फिक्स करते थे, जिसको फोर्टनाइटली कहते हैं, बट अभी क्या है कि आपका डेली मॉर्निंग में 6 o'clock आपको कस्टमर को प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन कि आज पेट्रोल का प्राइस इतना है। ठीक है, अभी क्या है, किस किस तरीके से इम्पैक्ट होता है फ्यूल प्राइस का इंडिया में, किस तरह से बढ़ते हैं घटते हैं फ्यूल प्राइस, तो इनमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें से रुपीज़ से डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का कॉस्ट कितना है अभी, शायद क्रूड ऑयल का कॉस्ट अगर मैं सही हूँ तो क्रूड ऑयल का कॉस्ट नियर अबाउट 64 डॉलर, ठीक है, 64 डॉलर के आसपास चल रहा है, तो एक डॉलर में करीब 119 लीटर क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, उसके बाद उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम बनाया जाता है, पेट्रोलियम डीजल बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 64 डॉलर के आसपास चल रहा है, तो इसका आपका यूएस का डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना, रुपीज़ बराबर एक डॉलर है उसका, कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल कितना है, ग्लोबल में क्या क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ईरान से हमारा फ्यूल आता है, अमेरिका से आता है, तो वेनेजुएला से आता है, तो उनमें क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं, उनका भी बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, और डिमांड ऑफ फ्यूल, फ्यूल का डिमांड कितना है, जैसे कि अभी आपका कोरोना कोविड आ गया था जिसकी वजह से फ्यूल की डिमांड कम हो गई थी, थोड़ा फ्यूल प्राइस में चेंज देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे हम रिकवर कर रहे हैं कोविड से, तो इसका फिर से प्राइस जो है वो आगे जा रहा है। जैसे ही आपका इंटरनेशनल का क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, इंडिया में भी प्राइस बढ़ता है, वो कॉमन सेंस है, बिकॉज हम वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में तो बहुत कम ही प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस भी होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो हम अपना जितना भी पेट्रोलियम का डिमांड है वो हम इम्पोर्टेड ही, इम्पोर्ट से ही पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका फिर एक्साइज ड्यूटी जुड़ता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी के बाद वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ता है, फिर उसके बाद डीलर का कमीशन जुड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका पेट्रोल का जो रेट है, हमें जो मिलता है कंज्यूमर को भी मिलता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वैट जो होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जो आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा है टैक्स सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया अगर पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैट को जोड़ दिया जाए तो आपका फ्यूल का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। दैट मीन्स कि अभी आपका अगर इन जनरल देखा जाए तो फ्यूल का प्राइस हमें 40 रुपये पड़ता है, 40 रुपीज़ अगर पड़ता है हमें, अगर सिर्फ उसका फिल्ट्रेशन करके और थोड़ा सा इंप्योरिटीज निकाल के पेट्रोल हो जाता है जो आपको दिया जा सकता है, 40 रुपीज़ पड़ता है, बट उसके बाद करीब 60 रुपीज़ का आपका अभी एक्साइज ड्यूटी और वैट और डीलर का कमीशन है, तो समझ सकते हैं आप कि डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल अभी 90 रुपये 100 रुपये पर घूमता रहता है। ठीक है, इसके लिए अभी बहुत दिन पहले एक वो भी एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था कि पेट्रोल को और डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं शामिल किया गया। जीएसटी में शामिल करने के लिए एक जीएसटी की एक काउंसिल होती है, ठीक है, उस काउंसिल में सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और पीएम, हमारे पीएम होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होता है, सॉरी डिफेंस बोल रहा हूँ मैं आपको, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं, तो उनको वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए सबकी सहमत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम इसको जीएसटी के अंदर ला देंगे तो हो सकता है पेट्रोल और डीजल का रेट जो है वो सब जगह एक समान हो जाए और सस्ता हो जाए, बट इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो स्टेट का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फंड देना पड़ेगा, और जिस वजह से ही ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस सबसे बात चल रही, हो सकता है फ्यूचर में जीएसटी के अंडर में आ भी जाए, ऐसी बात नहीं है, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है कि फ्यूल में जो है ना पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और अभी 10% करीब एथेनॉल मिलाया जा रहा है, फ्यूचर में आगे उसको 20% करने की बात चल रही है। 20% करने से क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट घटेगा, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में,
एथेनॉल को आप शुगर केन से प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके ग्रेन्स होते हैं रोटेड ग्रेन्स होते हैं उससे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी 10% की बात चल रही है और 2025 तक हम कह रहे हैं 20% का हम जो करते हैं ब्लेंडिंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा इम्पोर्ट घट जाएगा। इम्पोर्ट घटने से क्या होगा कि हम फिर पेट्रोल के प्राइस को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, बिकॉज कि एथेनॉल तो इंडिया में हम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फ्यूल सिस्टम देख लेते हैं, इंडियन फ्यूल सिस्टम जैसे कैसे डिसाइड होता है, कॉस्ट कैलकुलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्रूड ऑयल को अगर हम सोचेंगे मतलब कैलकुलेट करेंगे तो हमको 35 रुपये 73 पैसे पड़ता है करीब, ठीक है। 35 रुपये 73 पैसे पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, डीजल को उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आपके सामने ये डिस्प्ले है, ठीक है। और उसके बाद आपका रिफाइनरी प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल जो होता है वो रॉ होता है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है, तो इसमें मार्जिन होते हैं, PMC को फिर फ्रेट कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट मिला के करीब पर लीटर जो होता है वो आपका 4 रुपये 4 रुपये 39 पैसे पड़ जाता है। और पूरा अगर मिला दिया जाए तो फ्यूल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब पेट्रोल पंप अगर सेल करने के लिए फ्यूल प्राइस कैलकुलेट कर दिया तो हमें 40 रुपये 12 पैसे पर लीटर पड़ता है, ठीक है। बट क्या करते हैं उसमें फिर कि अगर कुछ भी टैक्स सारे टैक्स हटा दिए जाए तो पेट्रोल सिर्फ 40 रुपये पड़ेगा, बट इससे इंडिया का जो है बहुत दिक्कत होने वाला, डिफिशिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है और डीलर का कमीशन कुछ होता है, जिसमें आपका एक्साइज ड्यूटी होता है, रोड सेस टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और थोड़ा सा पेट्रोल पंप के डीलर्स के लिए थोड़ा सा कमीशन होता है। तो 32 रुपये 90 पैसा करीब जो होता है वो आपका होता है एक्साइज ड्यूटी, और 3 रुपये 79 पैसा करीब जो होता है वो आता है आपका डीलर का कमीशन, ठीक है। तो अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो 5 जुलाई 2021 का डेटा है ये, तो आपका पेट्रोल का जो प्राइस होता है वो करीब हो जाता है आपका 76 रुपये 81 पैसा विदाउट टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स हमने अभी नहीं लगाया है, तो आपके स्टेट्स लगाती हैं, ठीक है। तो 76 रुपये 81 पैसे पड़ जाता है। अब यहाँ से वेरी स्टार्ट होता है कि पेट्रोल का प्राइस जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो वेरी करता है किसकी वजह से, पेट्रोल आपका वैट की वजह से, ठीक है। तो अभी तो 30% लगाया जा रहा है कई स्टेट द्वारा पेट्रोल पे, और 16.7% लगा रहा है डीजल पे, ठीक है। तो 23 रुपये 5 पैसा ऑन एन एवरेज अगर ले लिया जाए तो उसको मिला के हमारा, अगर इन सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमारा पेट्रोल का प्राइस होता है 99 रुपये 86 पैसा जो अभी हमारा करंट में चल रहा है आसपास 100 के आसपास। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, क्यों हम पेट्रोल को प्राइस को बहुत सस्ता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि GST के लिए उसमें काउंसिल में अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा, और एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं एड कोर इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, और आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको पास अगर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है या आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब इंस्टा या टेलीग्राम पे जाके अभी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रंथ, ये हमारा लोगो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।